टेकाम के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया। कमलनाथ ने कांग्रेस प्रत्याशी रामू टेकाम की जीत का दावा किया और कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी के जीतने पर छिंदवाड़ा की तर्ज पर बैतूल लोकसभा का विकास किया जाएगा। कमलनाथ ने इस दौरान बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार में मध्य प्रदेश घोटालों का प्रदेश बन गया। यहां ना तो युवाओं को रोजगार मिला, ना किसानों को उनका हक मिल पाया। गांव गया इसकी झोपड़ी में, पता नहीं कितने साल पहले सब इसकी शादी में गया। रामू टेकाम और मेरा ये नजदीकी संबंध है। और आपको शुरू में कह दूं कि इस क्षेत्र की विकास के लिए रामू टेकाम तो करेगा, पर कमलनाथ पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। 30 साल से मुझे ताज्जुब होता है, एक ऐसे सांसद को आपने चुना। मैं भी 40 साल संसद में रहा, पर मैंने उसका नाम कभी नहीं सुना, उसका चेहरा कभी नहीं देखा। ऐसे सांसद जो मुझे ताजुब होता है सुन के, अभी मैं आ रहा हूं आमला से, यहां तो जी वो आता ही नहीं। आप कह रहे हमारे यहां नहीं आता।